फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास करने वाले हैं कला संस्कृति, लोक कला व संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हमने देखा था पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री का वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ, है ना। छत्तीसगढ़ के आर्ट कला, लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आभूषण, व्यंजन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया है, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, यानी कि पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री वीडियो आपको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाइएगा उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। क्योंकि मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूँ, डेली आप सभी के लिए क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। 12 फरवरी को CGPSC प्री का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आप सभी को डेली टेस्ट के रूप में वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा था। यह आपका पार्ट फोर वीडियो है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि CGPSC प्री एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम बस्तर के दशहरा, मैं कल के क्लासेस में बताया था, पूरी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी गई है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा CGPSC प्री, ठीक है। ये आपका प्लेलिस्ट है CGPSC प्री करके, 30 से 35 वीडियो अपलोड कर दी गई है, ठीक है। वो वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और सो आप सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए PSC और व्यापम की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। PSC और व्यापम में अगर आप लोग PSC की तैयारी कर लेते हो, समझो आपको व्यापम तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन की जो घंटी रहती है उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड, यानी कि PSC और व्यापम से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊँगा, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही आप बताइएगा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। पार्ट वन से लेकर पार्ट थ्री वीडियो तक मैंने अपलोड कर दिया गया। टाइम की बात करूं तो टाइम आपका 7:30 बजे और 8:30 बजे के बीच में अपलोड कर दी जाती है वीडियो को, ठीक है। आप कभी भी देख सकते हैं शाम के समय, ठीक है, सुबह नहीं, शाम के समय छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है और छत्तीसगढ़ की क्लास में आपका PSC प्री एग्जाम में 50% आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, सिलेबस के अनुसार, ओके। चलिए, पहला है अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि अक्षय तृतीया के जो समय आपका पुत्र पुत्री विवाह होता है, उसी के समय यह पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? अक्षय तृतीया, ठीक है। अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है आपका कौन समय? पुत्री पुत्र विवाह के पर्व पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा पर्व फागुन माह में राज्य के गोंड, यानी कि गोंड जनजाति लोग, आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा मेघनाथ पर्व, जो कि गोंड जनजाति द्वारा, आदिवासी के द्वारा यह पर्व फागुन में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फागुन में, ओके। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कौन सा पर्व सरगुजा क्षेत्र में गंगा की पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा गंगा दशहरा। आप सभी को क्लासेस करवा दिया था, है ना, दशहरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर, है ना, पाट यात्रा, ये सब जो भी पूछा था मैंने क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चलिए मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा बस्तर के दशहरा से पूछे जाने वाले प्रश्न से, ठीक है। वहाँ से आपके 2 से 3 नंबर बस्तर के दशहरा से अवश्य पूछे जाएंगे, ओके। चलिए, अब टेस्ट के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखा था, वो आपके कल के वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी का आंसर मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। और आज से स्टार्ट होता है पहला छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से आपका रहेगा, जो कि 50%, यानी कि 50% आपके PSC व्यापम में पूछा जा रहा है। अगर आपने तैयारी करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समझे आप, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़े हैं, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ओके। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्न में से किसके द्वारा मनाया जाता है। आप सभी को मालूम है और सभी का आंसर ए आ चुका है, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व है, यानी कि किसके द्वारा मनाया जाता है, तो किसान के द्वारा। किसके द्वारा? किसान के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है रास की छत्तीसगढ़ी रूपांतरण होता है, पर रहस, जो रास है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है रहस। डायरेक्ट अब मैं आपको आंसर करा रहा हूँ। अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पढ़ते गए ना, ABCD ऐसे करके, तो टाइम बहुत हो जाएगा, ठीक है। और टाइम किसी के पास नहीं है, है ना। वीडियो में अगर आप रिवाइज करना ही चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है नहीं। ऐसी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ PSC में,
विगत वर्षों का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके पीएससी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस्तर का जो मड़ई मेला होता है किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो जो बस्तर का मड़ई मेला होता है आपका किस वर्ष प्रारंभ होता है? दिवाली के बाद। दिवाली कब मनाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। दिवाली कब मनाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, और दिवाली के बाद ही यह बस्तर का मड़ई मेला प्रसिद्ध है, वहाँ होता है। छेरछेरा किससे संबंधित है? आप सभी को मालूम होगा, देखिए छेरछेरा अभी हाल ही में मनाए हैं, ठीक है। छेरछेरा किससे संबंधित है? नई फसल के कटने में। जैसे कि देखिए नई फसल अगर कट जाता है तब जो धान आप कोठी में रखे रहते हैं उसी के टाइम बच्चे लोग छेरछेरा मांगने जाते हैं, ठीक है। छेरछेरा का मतलब आप समझ गए ना, जहाँ बच्चों लोग या बड़े लोग जाकर घर घर में जाकर, हाँ बिल्कुल, छेरछेरा मांगते हैं, वही है, बिल्कुल सही जवाब। किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है? तो आप सभी को मालूम होगा पोला पर्व त्यौहार होता है ना, पोला पर्व त्यौहार होता है वहाँ पर, यानी कि पोला यानी कि तीजा, तीजा के समय ये मिट्टी की बैल की पूजा की जाती है, ओके। चलिए, राउत नाचक किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये CGPSC में जितने भी क्वेश्चन लेकर आया था PSC वाला ही है। तो 2019 में पूछा गया है कि राउत नाचक किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? तो जो राउत नाचक होता है आपका दिवाली के आसपास, ओके। दशहरा नहीं आएगा ना, दशहरा में कहाँ मनाएगा? राउत लोग दिवाली के आसपास नाचते हैं। चलिए ये बताइएगा, छत्तीसगढ़ी का लेजा गीत क्या है? तो छत्तीसगढ़ी का जो लेजा गीत है आपका बस्तर के आदिवासी के बहुल क्षेत्रों का लोकगीत। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है छत्तीसगढ़ का लेजा, तो आप बताइएगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत, ओके। छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा विख्यात है? जो दशहरा अगर नाम सुनते हो डायरेक्ट आप आंसर लगाइएगा बस्तर, ठीक है। दशहरा सुनते ही बस्तर लगा दीजिएगा, आंसर क्या आएगा? डी। निम्न में से कौन सा है जो मूलतः पर्व नहीं है? पर्व यानी कि त्यौहार नहीं है। तो हरेली त्यौहार है, पोला भी त्यौहार है, छेरछेरा भी त्यौहार है, लेकिन ओडा में त्यौहार नहीं है, ठीक है। छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है छेरछेरा पर्व आपको पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, उस दिन आपको पूर्णिमा त्यौहार रहता है। हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हरेली नामक पर्व आपका श्रावण के अमावस्या में मनाया जाता है, ठीक है, श्रावण के अमावस्या में मनाया जाता है, श्रावण मास में, ठीक है। हरेली आपका श्रावण मास में मनाया जाता है, ये पहला त्यौहार है, ठीक है। गिंडी का महत्व किस त्यौहार के अवसर पर होता है? जो गिड़ी चढ़ते हैं आपका हरेली त्यौहार पर होता है, और दर्जा दिया गया छत्तीसगढ़ में स्थान का पहला त्यौहार आपका आ जाएगा हरेली, ठीक है, हरेली त्यौहार होगा। अब हरा तालिका, यानी कि आप समझते हैं हरा तालिका का मतलब होता है तीज त्यौहार, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्त्री के लिए, ना कि पुरुष के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्त्री के लिए। जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है? तो आपका मान लीजिए जादू टोना या तंत्र मंत्र होता है आपका हरेली त्यौहार के आसपास मनाया जाता है, ठीक है। और कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के लिए खेलने के लिए परंपरा है? जो कुश्ती का खेल होता है विशेष तौर पर आपका नाग पंचमी के दौरान किया जाता है यह परंपरा, ठीक है। बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो आप सभी को मालूम है 75%, यानी कि बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा है 75 दिनों तक चलता है, ओके। चलिए, दिवाली के पश्चात यानी कि दिवाली के बाद बस्तर में मनाया जाने वाले किस त्यौहार में पृथ्वी की पूजा की जाती है, यानी कि पृथ्वी माँ की पूजा की जाती है दिवाली के बाद पूछा गया है? तो दिवाली के बाद आप माटी तिहार मनाते हैं, ठीक है, कौन सा तिहार? माटी तिहार मनाते हैं, ओके। तो आपके आंसर ए हो जाएगा। चलिए, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित की जाता है? तो आप सभी को मालूम है डंडारी नृत्य का मतलब होता है डंडा नृत्य, ठीक है, डंडा नृत्य, जो किसके त्यौहार पर मनाया जाता है? होली के त्यौहार पर मनाया जाता है। अब कौन सा पर्व पुष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा था पुष पुन्नी मतलब छेरछेरा, ठीक है, छेरछेरा के अवसर पर मनाया जाता है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए,
वेदमती शैली और कपालिक शैली नोकलाट की शाखा है। तो आपका ए हो जाएगा पंडवानी। क्या आएगा? पंडवानी, जो कि वेदमती और कपालिक शैली की शाखा है। आप सभी को बता दीजिएगा, पंडवानी नाचा ये सब मैं कल क्लासेस में करवाऊंगा, ठीक है, 5 वीडियो में। यानी कि 5वां वीडियो है आपका लोक कला संस्कृति, वेदमती, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये सब बंजारी, है ना, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं कल के वीडियो में करा दूंगा। चलिए, श्रृंगी ऋषि का जो मेला लगता है धमतरी में, श्रृंगी ऋषि का मेला कहाँ लगता है? धमतरी में। ओके, चलिए, राज्य की पहली फिल्म कही देवी संदेश के निर्माता है। तो आप सभी को मालूम होगा राज्य, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फिल्म है आपका कही देवी संदेश के निर्माता है मनु नायक। कौन है? मनु नायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म पर बुधिया। आंसर बी हो जाएगा, पर बुधिया, ठीक है। पहली फिल्म क्या आएगा? रायपुर। सो फ्रेंड्स, आ जाएगा पीएससी पेपर में पूछा गया व्यंजन, आपका है 10 मई का मतलब होता है खीर। क्या होगा? 10 मई का मतलब होता है खीर। तो आपका देखिए, कौन सा छत्तीसगढ़ का मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसिद्ध के रूप में वितरित किया जाता है? ये देखिए, मैं जितना क्वेश्चन लेकर आया हूं व्यंजन से, ये 10 क्वेश्चन देखेंगे व्यंजन से, 10 क्वेश्चन देखेंगे खाने पीने की चीज से, आपके पीएससी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या आएगा? कौन से एग्जाम में? पीएससी में। सूर्य भाई 4 नंबर यही से क्वेश्चन प्रसिद्ध है, थ्री गई का है। इसका मैं आप सभी को बताया था कि कौन सा है जो छत्तीसगढ़ी का स्थान है ना, यानी कि मिठाई पूछा गया। राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, प्रसाद के रूप में पीड़िया जल। क्या है? पीड़िया। राजीव लोचन कौन है? रेखा जल। ये प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, ठीक है। पीड़िया आदिवासी द्वारा इस त्यौहार में चावल का उपयोग करना अनिवार्य होता है। तो यह अब आएगा कमच्छट। कमच्छट में देखिए, बच्चों लोगों के लिए उपास रहते हैं ना, मुड़िया इसी को बोलते हैं कमच्छट, ठीक है। अपने अब छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है, तो आप बताइए कौन कौन सा नहीं है। ठेठरी, पाठी, पूरनपुरी, देहोरी। तो देखिए, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि पूरनपुरी है। अगर वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आता है, क्या है, तो को लाइक कर दीजिएगा। ठेठरी, पाठी और देहोरी हो सके तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं डेली क्लासेस के लिए। देखिए, ऐसा व्यंजन जो खीर, जहाँ कभी भी खीर पूछा जाएगा, डायरेक्ट तस्मय कहना। तो तस्मय का मतलब होता है घी वाली, छत्तीसगढ़ी में तस्मय कहा जाता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, खीर कहा जाता है। अब बताइए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया है कि छत्तीसगढ़ में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? खीर की तरह किसको पकाते हैं? भाई खीर को ही पकाएंगे ना, तस्मय होता है, जो कि चावल और दूध से बनता है, ठीक है। फरम उठियन भाई किससे बनाते हैं? जो फरम उठिया होता है चावल आटे से बनाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कुछ किन लोगों ने फरा खाया, जल्दी से बताइएगा। इन किन लोगों के यहाँ फरा बनता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नहीं होता तो वीडियो को फरा डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार, कभी भी एग्जाम बिल्कुल सही है, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। किसके यहाँ बनाया जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चक्रधर समारोह, हाँ बिल्कुल सही है, आप सभी के यहाँ होता है। कभी भी अगर चक्रधर समारोह पूछे जाएगा, रायगढ़ का, क्या आएगा? रायगढ़ पबजी, तो आपका आंसर पबजी होगा। पबजी का स्वाद मैं बात करें तो छत्तीसगढ़ का नित्य खारा नहीं होता भाई, आप नमकीन लिख दिया। कर्म नित्य, पंथी नित्य सभी है, जबकि डी छाऊ इनके यहाँ पर नहीं है, होगा ठीक है। छत्तीसगढ़ व्यंजन का फल किसके त्यौहार में छत्तीसगढ़ का नित्य है? छत्तीसगढ़ व्यंजन का नित्य कौन सा गौर नित्य है? चावल के आटे से तैयार हुआ, ये त्यौहार था कि भी नहीं तैयार किया जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन गौर है जो किसके आटे से बनाया जाता है, खुरमी, आप सभी को मालूम है ना, जो खुरमी बनाया जाता है डिंडों के आटे से कहा जाता है। डिंडों किसको बनाया जाता है? हरेली त्यौहार में मनाया जाने वाला है, क्या है? चावल गेड़ी त्यौहार को डिजोंगला कहा जाता है, क्या बनता है? चौंसेला, डी, हाँ बिल्कुल बताइएगा, चौंसेला। डिजोंगला का मतलब होता है गेड़ी त्यौहार, जो कि गेड़ी नाच किया जाता है। ओके, पार्ट 2 कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए वीडियो का इंतजार कीजिएगा, कल आने वाला है। आपका पार्ट 1 हर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पता रिपीट हो सकता है। ओके, बिल्वन आज के लिए बैगा, ये हम देखा होगा, ठीक है। तो बिल्वन क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको बताया था ना, ये मुहावरा
छत्तीसगढ़ी लोक बोली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ी लोक बोली है ना, पर्यायवाची शब्द कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ी एग्जाम में कौन जनजाति, पीएससी एग्जाम में तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर से वही सब पूछा जाएगा। तो चलिए ठीक है, कल देखेंगे। अगर जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस अवसर पर ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके। होली की थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, होली का मतलब होता है ओके आग जलाने वाला, दाग यानी कि आग जलाने की प्रक्रिया, आग जलाने की प्रक्रिया को दहकी गीत कहा जाता है, ठीक है। ये होली के अवसर पर जलाया जाता है। विमलेंद्र मुखर्जी की ख्याति किससे है, देखिए विमलेंदु, ठीक है, विमलेंदु मुखर्जी की ख्याति किस क्षेत्र में है, तो आप बताइएगा सितार वादन। तिजन बाई के पंडवानी गुरु कौन रहे हैं, तो तिजन बाई के पंडवानी गुरु बिजलीलाल पारदी जी हैं, ये नहीं है, ये झाड़ू राम देवांगन पूरा नाम निषाद चेतन राम, ये नहीं है। तिजन बाई के पंडवानी गुरु कौन है, तो पूछा गया ब्रिजलाल पारदे जी हैं। छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत आपको बैना गीत, ठीक है, टोटल 50 MCQ करेंगे। छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका मालूम है, सूरजबाई खांडे जी, ठीक है। बाली बरब नाम किस देवता से संबंधित है, भीमा देव, ठीक है। संन्यास और श्रृंगला की जो लोक गाथा है छत्तीसगढ़ में आपका भरथरी से मिलता है, कहाँ से, भरथरी से। बात करें कि छत्तीसगढ़ में हकला का मेला किस जिले में मनाया जाता है, जो हकला का मेला होता है सरगुजा जिले में, ठीक है। हकला का मतलब सरगुजा जिला। ये बताइए गीतकार प्रसिद्ध लक्ष्मण मस्तूरिया किस जिले के सुपुत्र हैं, लक्ष्मण जो मस्तूरिया है आपका बिलासपुर से संबंधित है, बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं। नारायणपुर के किस बालक ने विदेशी फिल्म में कार्य किया, विदेशी फिल्म में नारायणपुर के किस बालक ने, तो चंदू नाम का जो लड़का है वो आपको विदेशी फिल्मों में काम किया है। तिजन बाई को किस क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, तो तिजन बाई के लिए आप सभी को मालूम होगा पंडवानी, डायरेक्ट आंसर ए आप लगाएंगे पंडवानी, ठीक है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन पर डाउट होता है कमेंट करके कह सकते हैं, और डेली क्लास करने के लिए एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल पर सेट कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस तीनों ही चीज़ कर लो। मैं कभी भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से घंटी चला जाएगा यूट्यूब पर, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, डेली क्लास कर लीजिएगा। क्या आएगा इसका, पंडवानी गायन से संबंधित कौन कौन है, लक्ष्मण मसूरिया, जवाहरलाल बघेल, रितु वर्मा या मंडला महाराज, तो इसका आंसर सी होगा, रितु वर्मा जी जो कि पंडवानी गायक से संबंधित है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी 5वां क्लासेस में यानी कि 5वां वीडियो में आपको वेदमती शैली, कपालिक शैली, जितने भी शैली से क्वेश्चन आते हैं कौन कौन है सब मैं बताऊंगा, किसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, कल के वीडियो में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रागी नामक कलाकार किस कला में होता है, तो ये भी आपको पंडवानी आएगा, क्या आएगा, पंडवानी, ठीक है। ऐसे ही चैनल को देखने के लिए बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ओके। ये आपका, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर से होमवर्क करें या फिर कमेंट करके बताइएगा। प्रसिद्ध कलाकार रेवा राम का संबंध किससे है, रहस, नाचा, भद्रानाट, पंडवानी नृत्य, कौन से संबंधित है कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल इसका आंसर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।